नमस्कार, स्वागत है आपका मालवीय अकेडमी में। आज हमारे बीच एक पेरेंट आए हैं और इनको देख के हमको इतनी प्रेरणा मिली कि मुझे लगा आप लोगों से इनको मिलवाना चाहिए। ये हमारे स्टूडेंट हैं खुशी और इनके पापा हैं। इस एज में अंकल जी जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये पॉइंट हमको सबसे ज्यादा जो मोटिवेट किया, बातें तो उन्हीं की बहुत हुई कि 12 घंटे की अभी क्लासेस जो है चली थी, तो इन्होंने बताया कि खुशी के साथ जो है 3 घंटे ये चेक कर रहे थे इसको, ये पढ़ाई कर रही है। तो 12 घंटा जो है खुशी पढ़ाई की है और सही पढ़ रहे हैं। पापा को बिलीव हो गया 12 घंटे में। मैं बीच-बीच में भी चेक करता था शुरू से ही। अच्छा सर, इस एज में आपको पढ़ने की कैसे प्रेरणा आई? सर ये मैं सोचा कि मेरा मेडिकल स्टोर चल रहा है, तो मैं सोचा कि फार्मासिस्ट का जो चार्ज लगेंगे तो उसके में मैं खुद अपना कर लूँ तो मेरा फ्यूचर सुधर जाएगा। बाल बच्चों को मैं पढ़ा लूँगा आराम से। अभी सर उम्र कितनी आपकी है? मेरा 51 है सर। 51, 51 वर्ष की आयु में जो है पढ़ने की ललक होना, पढ़ने की प्रेरणा होना, 52 हो गया सर। 52 शुरू हो गया। और अपने फ्यूचर के साथ बच्चों के फ्यूचर को जो है जोड़ के उस पढ़ाई से देखना, ये मतलब अभी भी इतना मोटिवेटिंग है कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना इससे इनसे एनर्जी ले रहा हूँ अभी जो है। और आप लोगों को भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो पढ़ाई लिखाई एक जुनून है और अगर वो आपके ऊपर आ जाता है एक बार तो फिर आप अपने लक्ष्य जरूर प्राप्त करेंगे। झारखंड से अगर ये आते हैं और बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो आपके पापा के सपने हैं उसको पूरा करें। इनके बेटे का सिलेक्शन भी जो एग्रीकल्चर में हुआ है, एग्रीकल्चर बॉय। तो मेरा भी जो फार्मेसी का ऑनलाइन जो हो रहा था ना, तो मैं भी कुछ क्लास करके देखा, लेकिन जब समझ में नहीं आने लगता था तो छोड़ देता था। मैंने धंधा करता था ना, तो धंधा में अगर कस्टमर आ गया तो उसमें नहीं पाता था, तो बाद में सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ा। और क्या बताना चाहेंगे जो जो बच्चे देख रहे हैं आपको, वो क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलूं सर, बस यही कहेंगे आप अपना प्रेरणा दीजिए, बच्चे को आगे प्रदर्शित करें। ये आप लोग जो प्रेरणा का ऑरिजिनल काम वो आप लोग कर रहे हैं, हम लोग तो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। नहीं सर नहीं, आप लोग बहुत हाई लेवल में, हम लोग तो एकदम सुदूर क्षेत्र से बिलोंग करते, तो हम लोग क्या आपको बता सकते हैं। अच्छा आपका झारखंड में सर कहाँ पे? झारखंड में मेरा हजारीबाग जिला का लास्ट बॉर्डर है, कालोबार एक जगह है। वहाँ पढ़ने लिखने को लेकर क्या मांग? कोई शायद नहीं सर, छोटे मोटे स्कूल है, छोटा मोटा स्कूल है बस। तो खुशी को कैसे लगा कि आपको बी एच यू आ जाना चाहिए? सर पापा जी ने स्टार्टिंग से ही मुझे बाहर रख करके पढ़ाया है, मतलब 6th क्लास में उन्होंने मुझे गया भेज दिया। अच्छा। और मेरी स्टडी 10th तक गया सही हुई, और फिर मतलब वहाँ पे थोड़े सा क्रिटिकल कंडीशन था तो मैं फिर वापस झारखंड ही आ गई और फिर हजारीबाग से मैं पढ़ाई की और 12th कम्प्लीट की। और मेरे भैया हैं कुमार आर्यन नाम है उनका, उन्होंने भी यहीं से पढ़ाई की थी मालवीय अकेडमी से, तो वो शायद उनका अभी 5th सेमेस्टर चल रहा है, तो उन्होंने बताया था मुझे पिछले ईयर की कुछ एग्जाम लेकर के देखो बी एच यू का और चैनल सब्सक्राइब करवाया था मैंने करके, तो मैंने सब्सक्राइब किया। फिर मैं उस टाइम इतना ये बहुत ज़्यादा इसको लेकर के ये नहीं थी कि बी एच यू आना है, क्योंकि उस टाइम मुझे डी यू की ललक लग चुकी थी कि करना है अपना आगे का एम पूरा करना है तो मैं उधर चली जाऊँगी। तो फिर अचानक से मतलब ऐसी क्लासेस आने लगे तो भैया ने बोला कि इनकी कोर्सेज चलती है, तो मुझे अचानक से कोई 10 to 15 days बच रहा था बी एच यू में, तो मैंने सोचा चलो कोर्स ही ले लेती हूँ, शायद मैं ना पढ़ पाऊँ ऐसे ही। तो मैंने कोर्स उस टाइम भी परचेस किया था, लेकिन 15 days में इतना मतलब वो नहीं लगा कि कर पाऊँगी, हो भी गया था स्पोर्ट्स कोटा की वजह से मेरा थोड़ा सा इशू हो गया और सर्टिफिकेट की वजह से रह गया, तो इसलिए फिर से वही जनवरी से बैच स्टार्ट किया और फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया सेकंड टाइम। तो हाँ, एक साल का आपका ड्रॉप हो गया। तो अब कैसा फील हो रहा है बी एच यू आ जाने के बाद? सर बस नॉर्मल सही लग रहा है, बहुत ज़्यादा वो नहीं लग रहा कि मतलब आई हूँ तो कितना है, तो बस हाँ लग रहा है कि हम बी एच यू पहुँची। एक अच्छे खुशी है, नाम भी खुशी है और एक अच्छे की खुशी है, लेकिन इसकी जो ये लाइन है कि नॉर्मल फील हो, ये बहुत बड़ी लाइन है, क्योंकि अगर आपको ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील होने लगेगा तो ये भी समस्या का विषय है। अभी इससे पहले 12 घंटे हमने लगातार पढ़ाई की थी, पहली बार की 12 घंटे, तो 12 घंटे पढ़ने के बाद कैसा लगा? पापा को भी कैसा लग रहा था? पापा तो बस आगे के बैठे हुए थे, वो सोच रहे थे कि पता नहीं पढ़ भी रही होगी कि नहीं पढ़ रही होगी, बस ऐसे ही। खाना पीना खाए थे उस दिन? हाँ सर थोड़ा बहुत, कोई शाम रात में पापा लेकर के आए थे। आप खाना खिलाए थे? अभी बता रहे थे अंकल जी की
इसको खाने का टाइम भी मिल रहा था उस क्लास में। बोली कि नहीं जाएंगे, फिर सर रेडी हो जाता समय से 2 मिनट पहले। हमारे नेटवर्क बहुत ज्यादा नीचे जाने में फिर से वो बंद हो जा रहा था। हाँ लेके आई, ऊपर ही गए। चलिए तो बातें ढेर सारी हो गई, हम लोग साथ में चाय पियेंगे और फिर किसी और लोग से मिलते हैं तो आपको मिलवाएंगे। बाकी आपका बहुत धन्यवाद अंकल जी, आप आए और आपके आने से बहुत एनर्जी मिली और खुशी। आप खूब मेहनत करिए और निश्चित तौर पे जो है सफलता पाइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप लोगों का।